सिवान में कला संस्कृति युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन सिवान के द्वारा राज्य स्तरीय अंतर जिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, डीडीसी भूपेंद्र कुमार यादव, एसडीएम सुनील कुमार, डीसीएलआर शाहबाज खान, प्रभारी जिला जनसंपर्क सूचना पदाधिकारी उपेंद्र कुमार यादव, इन सभी पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद सिवान के डीएवी स्कूल के स्काउट गाइड के छात्र और खेल में विभिन्न जिला से आए खिलाड़ियों के द्वारा विधिवत बैंड बाजे के साथ सलामी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयास 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP ट्रायल्स के समीप स्टेशन रोड मेरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। इसके बाद उनके निर्देश पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां 16 जिलों के फुटबॉल खिलाड़ी यहां पहुंचेंगे, और जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें बिहार सरकार की तरफ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल में भेजने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन बच्चों के रहने, खाने पीने और सुरक्षा की व्यवस्था सिवान पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता फुटबॉल महिलाओं का, बच्चों का। तमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान, तो ईमान TV चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आलोक में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार प्राधिकरण के सामूहिक प्रयास से राज्य स्तरीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन आज सिवान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बिहार के 16 जिलों की टीम आई है। यह कार्यक्रम 2 दिनों चलेगा और यहां से जो टीम जीतेगी और जो बच्चिया बेहतर प्रदर्शन करेगी उसको आगे और बेहतर खेलने का मौका सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसी क्रम में आज इस उद्घाटन समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं और सभी टीमें काफ़ी उत्साहित हैं। बालिकाएँ हमारी काफ़ी डिसिप्लिन भी हैं और सभी लोगों में खेल का जज्बा है और सभी लोगों ने प्रण लिया है और कहा भी है कि खेल को एक विधा के रूप में और एक कौशल के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार भी लगातार एक एकलव्य के माध्यम से और बाकी सुविधाओं से उन बच्चियों को बेहतर सुविधाएं देने का काम कर रही है, ताकि राज्य का नाम, जिले का नाम रोशन हो सके। अंतर जिला से बच्चियाँ आई हैं, उनके लिए सुरक्षा के क्या, यहाँ पे कई सारे कोषांग बनाए गए हैं उनके। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, जो कि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। स्वास्थ्य को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके, उनके आवासन को लेके, साफ सफाई को लेके, विधि व्यवस्था को लेकर और आयोजन के संबंध में जिला के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी सभी को सांगों के नोडल पदाधिकारी के रूप में है, फोर्स मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है। हालांकि खेल अनुशासन से ही होता है, तो सभी बच्चे अनुशासित हैं और सारी लोग अनुशासित हैं, तो निश्चित रूप से काफी सफल आयोजन काफी अच्छे माहौल में किया जाए।